हेलो एवरीवन, आज जिस ड्रामे की मैं बात करने जा रही हूँ उसका नाम है रद्द। नाउ इस ड्रामे के बारे में मैं बहुत कुछ बोलना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे अपना वीडियो एज़ यूजुअल 5 मिनट्स के अंडर ही बनाना है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ इस ड्रामे को मैं ये कहूँगी कि यूजली मैंने एक अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कहा था कि मुझे पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं वो बड़ा अच्छा रिलैक्सेशन मोड मुझे में डाल देते हैं। तो मैं उनको देख कर एट द एंड ऑफ द डे इट्स वेरी ईजी टू अनवाइंड विद दम नाउ। और मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामे एक फेरी टेल की तरह होते हैं, लाइक एक गुड वर्सेस बैड, और हमेशा होता है कि जो जो बुरा होता है उसको एंड में सज़ा मिल जाती है। तो एक तरह से दे गो दे डू कम्प्लीट द होल सर्कल, सो विच इज़ गुड बिकॉज वी ऑल वॉन्ट टू सी कि जो बैड है या ईवल उसको एंड में सज़ा मिल जाए, तो आपको सेटिस्फैक्शन से मिलती है कि अच्छा चलो एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड आउट। सो दे आर लाइक ए फेरी टेल नाउ, जिसमें ऑब्वियसली एक प्रिंसेस होती है, एक प्रिंस होता है। लव स्टोरी पाकिस्तानी ड्रामों का एक हमेशा कोर आइडिया लव स्टोरी होती है, उसके इर्द गिर्द दूसरे कैरेक्टर्स की स्टोरीज रिवॉल्व होती हैं। तो ये जो ड्रामा रद्द है इसमें इसी पॉइंट को लेके उन्होंने फर्दर एक्सेप्ट किया कि इट्स अ कहानी ऑफ अ राजा एंड अ रानी, और उसका जो टाइटल सॉन्ग है वो भी उसको एक समराइज़ कर देता है पूरे प्ले को, बड़ी खूबसूरती से उसको समराइज़ किया है। उसका जो टाइटल सॉन्ग है वो भी बहुत अच्छा गाना है, और स्टोरी बिकॉज दे ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट इट्स अ फेरी टेल, सो यू लुक एट इट लाइक अ फेरी टेल। यू नो कि एक जंग चल रही है बिटवीन द गुड एंड द बैड, एंड देन देयर इज़ लाइक कैरेक्टर्स, 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स एज यूजुअल, लव ट्राइंगल है, बट लव ट्राइंगल में कितनी एक जो राजा है रानी को उनको कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ता है टू गेट टू नो देमसेल्व्स और गेट टू नो देयर रिलेशनशिप, यू नो। सो उसको इस ड्रामे में आई गेस बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया मेरे ख्याल में। एक एक जो उनके जो राइटिंग है, जो डायलॉग्स हैं, और उनकी जो मतलब एक रिलेशनशिप, एक केमिस्ट्री को बहुत मतलब कि अच्छे अंदाज से इन्होंने डाइसेक्ट किया है, और उसको फिर एक सीक्वेंशियल ऑर्डर की तरह उसको फॉलो किया है। तो एक चीज़ जो है, जो लव है या किसी को आप पसंद करते हैं, वो एकदम से नहीं होता। इट्स अ मैट इट हैपन्स बिकॉज ऑफ सर्टन इवेंट्स, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस, उन सब को मिला के आपका एक कनेक्शन बनता है किसी के साथ, आपकी केमिस्ट्री बनती है। तो उस टॉपिक को इन्होंने बहुत अच्छी तरह दिखाया है। हीरोइन की एक्टिंग के बारे में क्या कहूँ, शी इज़ अ प्रो, बहुत अच्छी। उन्होंने जिस ड्रामे में भी काम किया है शी हैज़ डन एन एक्सेप्शनल जॉब। जितना मैं ज़्यादा बोलूँ उस लड़की के लिए उतना ही कम होगा, बिकॉज वो हर रोल को बहुत अच्छे अंदाज में उसको करती हैं। तो वो मुझे उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई, बहुत बहुत अच्छी थी। हीरो के भी अच्छे हैं, बट हीरोइन वाज लाइक लीडिंग दिस प्ले। फिर मुझे हीरोइन के बारे में एक और चीज़ बहुत पसंद आई थी कि हीरोइन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिंड गर्ल। उसको ये कि शी इज ऑन द साइड ऑफ द राइट, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। शी इज़ गोइंग थ्रू एनी लेंथ्स बिकॉज शी वॉन्ट टू सपोर्ट द राइट। सो ये बड़ा अच्छा मुझे लगा इस ड्रामे में कि आप सोसाइटल प्रेशर्स हैं, ये हैं, उसमें जब वो स्टैंडिंग विद द राइट यू समटाइम्स हैव टू अपसेट लाइक वेरी क्लोज पीपल, द पीपल हु आर वेरी क्लोज टू योर हार्ट एज वेल, बट दे विल इवेंचुअली कम अराउंड इट एंड सी व्हाई यू डिड दैट, व्हाई यू टुक दिस एक्शन, व्हाई यू वेंट अ सर्टेन वे, दे विल कम टू एक्सेप्ट इट विद टाइम। सो दिस वॉज रियली ब्यूटिफुल, दिस वॉज द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी, द बॉडी ऑफ द स्टोरी आई गेस, और द हार्ट ऑफ द स्टोरी यू कैन कॉल इट, जिसको बहुत बाप और बेटियों की रिलेशनशिप बहुत बहुत अच्छी तरह दिखाई है। तीनों बेटियों की अलग अलग रिलेशनशिप दिखाई है, और उसमें तीनों बेटियों को अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाप जिस तरह उनके साथ रिएक्ट करता है वो भी बहुत अमेजिंग था। उनकी भी बाप की, फादर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। फिर एक और भी इसमें पहलू दिखाया गया है, जो हीरो है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाया है कि उसको बहुत ही ज़्यादा बचपन से टॉर्चर मिले होते हैं। ही स्टेइंग विद हिज डैड हु इज़ मैरिड टू समबडी, स्टेप मॉम का बड़ा रोल है, और स्टेप मॉम और उसका एक बेटा, तो वो ईविल कैरेक्टर्स होते हैं, तो उस पर बहुत बचपन से जूम करते हैं। तो उसकी पर्सनैलिटी, उसका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी वजह से ही डज़ नॉट टेक इंटरेस्ट इन एनीथिंग बिकॉज ही हैज़ नॉट रिसीव्ड लव इन हिज ग्रोइंग ईयर्स। सो एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिखाई कि जब आपको लव नहीं मिलता बचपन में, तो वो लव की कमी से आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो कॉन्फिडेंस के लिए लव होना फ्रॉम किंडरगार्टन और फ्रॉम प्री स्कूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू बिल्ड योर बेस, यू बिल्ड योर, फिर व्हेन यू हैव द कॉन्फिडेंस, यू हैव द लव फर्स्ट, देन यू हैव द कॉन्फिडेंस एंड देन यू बिल्ड ऑन इट। सो दैट्स हाउ इट गोज़।
सो वो भी बहुत अच्छा दिखाया, और उसको दिखाया जस्ट व्हेन ही मीट समबडी दैट ही ट्रूली लव्स, और फिर आस्ते आस्ते वो भी उसको आस्ते आस्ते पसंद करने लगती है, तो ही गेन्स बैक दैट कॉन्फिडेंस. एनी वेज यू सी दिस प्ले, आई एम इनिशली आई डेंट लाइक दिस प्ले बट नाउ यू नो आई गेव इट सम टाइम, कपल ऑफ एपिसोड्स, आई एम लविंग इट. सो इफ एनी वन इज़ लुकिंग टू वॉच अ गुड प्ले, आई वुड हाईली रिकमेंड रथ. आई वुड गिव दिस प्ले 8 out of 10. Thank you for watching. Till we meet again. Have a good day. Bye-bye.